दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो गाइस, आज की जो वैकेंसी आ रही है वो आ रही है बजाज की तरफ से। तो दोस्तों, ये जो है यहाँ पर ऑल इंडिया आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर जो है ऑफ कैंपस यहाँ पर इंटरव्यू रहने वाला है आप लोगों का। ऑफ कैंपस आप लोग यहाँ पर जाना होगा, जो जिस लोकेशन पर आप लोग का यहाँ पर हो रहा है इंटरव्यू, उस लोकेशन पर आप लोग को जाना होगा। तो गाइस, यहाँ पर डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, पास आउट स्टूडेंट अप्लाई करेंगे। और साथ में मैं आप लोग को यहाँ पर बता दूँ कि जो लोग पास आउट हो चुके हैं वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ में मैं आप लोग को बताऊंगी किस तरीके से अप्लाई करना है। अब देखिए, यहाँ पर कोई ऐसा कोई मैटर नहीं है कि आप लोग को जो है यहाँ पर अप्लाई लिंक फिल करनी होगी या ऐसा कुछ नहीं करना है। आप लोग को सिर्फ जो है ऑफ कैंपस में आप लोग को जाना है, वहाँ पर इंटरव्यू होगा आप लोग का और डायरेक्ट आप लोग की वहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो चलिए हम लोग अपने ओपनिंग की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये जो वैकेंसी आ रही है बजाज मोटर लिमिटेड की तरफ से आ रही है। और यहाँ पर इसका जो है थोड़ा अबाउट में इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इसके बारे में आप लोग थोड़ा पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो पोस्ट रहने वाली है ये रहने वाली है ट्रेनी की पोस्ट। यहाँ पर ट्रेनी आपकी पोस्ट रहेगी, 100 आप लोग के लिए वैकेंसी है और यहाँ पर 100 आप लोग की यहाँ पर ओपनिंग रहने वाली है। क्वालिफिकेशन आप लोग की जो है डिप्लोमा पास आउट वाले रहेंगे। अगर आपने यहाँ पर डिप्लोमा पास आउट है तो ही आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर डिप्लोमा पास नहीं किया है तो आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो आप लोग की वैकेंसी रहने वाली है वो रहने वाली है कॉन्ट्रैक्ट बेस। तो आप लोग का जो है यहाँ पर ट्रेनी की पोस्ट है तो 1 ईयर के लिए आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। उसके बाद आप लोग का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके बाद वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा 2 ईयर में। तो टोटल ड्यूरेशन आप लोग का 2 ईयर का हो जाएगा, 1 से 2 ईयर का। एज आप लोग की जो है यहाँ पर 18 to 28, मिनिमम एज आप लोग की 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पर 28 होनी चाहिए। अगर यहाँ पर आप लोग मतलब मेल हैं तो ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगी। सैलरी पैकेज की बात करें तो देखिए, सैलरी पैकेज 1050 आप लोग की पर मंथ आप लोग की यहाँ पर रहेगी। साथ में देखिए, यहाँ पर अटेंडेंस अवार्ड यहाँ पर 500 है, तो ये टोटल इसीलिए यहाँ पर 10,000 यहाँ पर 500 दिखा रहा है। वैसे आप लोग की जो मेन इनकम है वो है 10,000, ठीक है। फ्रेशर स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई करेंगे, देख पा रहे हैं आप लोग, फ्रेशर यहाँ पर कर सकते हैं। और जॉब लोकेशन आप लोग की जो है हरियाणा रहेगी, जॉब लोकेशन यहाँ पर हरियाणा है। और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या है, देखिए 10th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, 12th की मार्कशीट, और यहाँ पर जो डिप्लोमा किया है तो उसकी मार्कशीट वो लेके जानी है आप लोगों को। साथ में आधार कार्ड और वोटर आईडी और पासपोर्ट साइज फ़ोटो 3, ठीक है। और कैंपस कहाँ पे होने वाला है, 28 मार्च को कैंपस होने वाला है यहाँ पर। गाइस, यहाँ पर ज़रूर से आप लोग जाएँ, काफ़ी टाइम है आप लोगों के पास। 28 मार्च 2022 को ये यहाँ पर जो है कैंपस होने वाला है। साथ में मैं आप लोग को बता दूं टाइमिंग क्या रहेगी आप लोगों की। देखिए, यहाँ पर गाइस टाइमिंग रहेगी 10 AM, तो 10 AM पर आप लोग को यहाँ पर पहुँच जाना है। ज़्यादा कुछ यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है, 10 AM तक आप लोग पहुँच जाना। और देखिए, वेन्यू वेन्यू आप लोग का क्या, जिस लोकेशन पर आप लोग को जाना है, मतलब आप लोग का जो है यहाँ पर इस लोकेशन पर इंटरव्यू होगा तभी आप लोग का सिलेक्शन होगा। और यहाँ पर आप लोग को कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन पर फॉर्म फिलअप नहीं करना है, क्योंकि ये जो डायरेक्ट आ रही है वैकेंसी यहाँ पर डायरेक्ट निकल कर आ रही है। साथ में मैं आप लोग को ऑफिशियल नोटिस भी दिखाऊंगी इसका। अब देखिए, यहाँ पर आप लोग का ITI कॉलेज दे रखा है यहाँ पर आप लोग का बिहार में। अब जो स्टूडेंट यहाँ पर जाने के लिए एलिजिबल है, पास की लोकेशन से, वो लोग जा सकते हैं। देखिए, मैं आप लोग को लोकेशन जो है आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि आप लोग की कोई भी इन्फॉर्मेशन छूटे ना। अगर इधर की साइड के स्टूडेंट्स हैं तो वो लोग यहाँ पर जा सकते हैं, अगर थोड़ा दूर लोकेशन है तो आप लोग नहीं जा सकते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नेक्स्ट वैकेंसी आती रहती है। और साथ में गाइस, इस वाली वैकेंसी के लिए कोई भी आप लोग को फीस पे नहीं करनी है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब देखिए, मैं आप लोग को दो तरीके बताती हूँ गाइस। देखिए, आप लोग जितने भी ऑनलाइन मोड में आप लोग एप्लीकेशन फिल करते हैं, वहाँ पर जो है आप लोग की वही वैकेंसी कुछ कंपनियाँ ऑफलाइन इंटरव्यू लेके भी निकालती हैं, क्योंकि गाइस देखिए, यहाँ पर ऑनलाइन मोड से भी ली जाती है, हायर किया जाता है, और ऑफलाइन भी हायर किया जाता है। बट यहाँ पर देखिए, एक ऑनलाइन मोड में जो करना, वहाँ पर इतने सारे लोग अप्लाई कर देते हैं कि मतलब आप लोग पीछे भी रह जाते, इतने सारे लोग अप्लाई कर देते कि वो लोग उनका देख भी नहीं पाते, काफ़ी टाइम बाद रिवर्ट आता है। लेकिन जिसका आता है रिवर्ट, देखिए 1-1 महीने बाद रिवर्ट आता है, मैंने खुद देखा है। और यहाँ पर स्टूडेंट कमेंट्स भी करते हैं। साथ में ऑफलाइन में अगर आप लोग जाते हैं तो वहाँ पर आप लोग का इंटरव्यू होगा, और यहाँ पर इंटरव्यू होने के बाद डायरेक्ट सेलेक्शन भी हो जाता है। तो मैं आप लोग को बोलूँगी, अगर आपके पास में ये लोकेशन है तो आप लोग जाना ज़रूरी है, क्योंकि ऑफ कैंपस ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोग के लिए, वहाँ से जल्दी हायरिंग होती है आप लोग की।
अब मैं थोड़ा आप लोग के लिए नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, ये जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोग के लिए दी गई है। साथ में देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं ये जो लोकेशन है, यहाँ पर देखिए ये लोकेशन दे रखी है गुड़गांव मानेश्वर जो है हरियाणा में। यहाँ पर तो आप लोग को आप लोग की ये जॉब लोकेशन है, जहाँ पर आप लोग की जॉब लोकेशन है, जहाँ पर आप जॉब करेंगे। बट देखिए आप लोग को जाना कहाँ पर है, वो इस जगह पर जाना है। ये जो कैंपस स्थल है जहाँ पर कैंपस लग रहा है, इस जगह पर आप लोग का कैंपस होगा, यहाँ पर आप लोगों को जाना होगा। या इस जगह पर आप लोग इंटरव्यू देने जाएंगे, जब आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाएगा तो हरियाणा गुड़गांव में ये मानेश्वर में यहाँ पर आप लोग को जॉब मिलेगी। तो गाइज यहाँ पर आप लोग अगर जॉब करना चाहते हैं तो आप लोग जो है जाएंगे। और साथ में मैं आप लोग को बता दूँ, यहाँ पर ओनली ऑन डिप्लोमा वाले ही अप्लाई करें, क्योंकि बीई बीटेक आईटीआई वाले यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। मैं फिर से बोल रही हूँ, क्योंकि आप लोग यहाँ पर वीडियो को स्किप कर देते हैं और आप लोग आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फिर कमेंट करते हैं कि ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, थैंक यू।